लेकिन हमारी यही कोशिश होती है कि आपको प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी शख्सियत से मिला जाए जिसका अपना जाती बैकग्राउंड भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज एवरग्रीन पर्सनालिटी, यंगेस्ट पर्सनालिटी, एक बेहतरीन शख्सियत जिससे हम आपको गुफ्तगू करेंगे, ख्वाजा नजर अहमद फारूकी साहब आज हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं। चलते हैं ख्वाजा की तरफ और उसके प्रोफाइल पर गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, वेलकम टू माय प्रोग्राम आज की शख्सियत। मैं आपको अपने प्रोग्राम वेलकम कहता हूँ और आपने अपना कीमती टाइम निकाल कर हमें टाइम दिया। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल, हर बंदा इस दुनिया में जो भी शख्स होता है उसका एक अपना बचपन होता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, छोटी लेवल का हो गरीब लेवल का हो, हर किसी का एक खूबसूरत बचपन होता है। तो माशाल्लाह आपका प्रोफाइल और आपका बचपन हमारे नाज़रीन थोड़ा वो सुनना चाहते हैं। इसमें उन्होंने हमारा जो बचपन है मेरा बहुत एक खूबसूरत गुजरा और एक तालीमी घर में से हमारा एक ताल्लुक है, क्योंकि खानदान से हमारा सब चलता आ रहा है। और 200 साल पहले जैसे उन्होंने सात जबानों में शायरी की थी, उस ज़माने में कम्युनिकेशन सिस्टम भी नहीं था, एक आम जबान में कहें कि एक जाहिलाना दौर था। उस ज़माने में भी एक मतलब जवान ने सात जबानों में अल्लाह की, ज़ाहिर उनकी अल्लाह की मेहरबानी तो थी, लेकिन उन्होंने छोटी उम्र में हिफ्ज़े कुरान भी थे वो। तो उसी तरीके से हमारे जो सजदा नशीन चलते आ रहे हैं उनकी अपनी एक हिस्ट्री है तालीम के हवाले से। वैसे ही मेरे फादर PhD से मिस्टिसिज्म में, तो हम ज़्यादा उनकी सोबत में रहे और उस ज़माने में मेरे ख्याल से पाकिस्तान में तसव्वुफ में PhD किसी की भी नहीं थी, और दैट टाइम ही वॉज यंगेस्ट PhD होल्डर पाकिस्तान उस ज़माने में। उस वजह से उनकी गाइडेंस भी रही और उनके जो तसव्वुफ के हवाले से, वैसे भी तसव्वुफ है ही सारे इंसानियत पे, तो हमारी सारी फैमिली बड़ों से लेकर लोग इंसानियत की खिदमत करती आ रही है जैसे हमारे बड़े भी करते आ रहे थे। तो एक बेहतरीन ग्रूमिंग हुई हमारी और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि मालिक ने हमें सेलेक्ट किया कि ऐसे महबूब घराने में हमें हमारा जन्म हुआ। अच्छा सर, हर बंदा झूठ बंदा होता है, एक बंदा ख्वाब अपनी तरफ से सिलेक्ट करता है कि भाई मुझे ये बनना है, बड़ा होकर मुझे मेहनत करनी है, बनना है। एक वो बंदा होता है जिसे अपनी खानदान की रवायत को देखते हुए अपनी लाइफ जो है वो सर्व करनी पड़ती है। तो आपने अपना लक्ष्य खुद चूज किया या खानदान की रवायत को बरकरार रखते हुए आप अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं? देखिए, हमारा इंसान का काम होता है प्लानिंग करना, बेहतर फैसले अल्लाह की जात करती है। ज़रूर हम जब स्टडी लाइफ में थे तो पढ़ाई के हिसाब से कभी बाहर जाने का प्लान बनाते थे, कभी कमीशन देने का करवाते थे, लेकिन अल्लाह ने हमें जो है सनी शायद खिदमत के लिए पसंद किया। तो मैं समझता हूँ मैं जो चाहता था वैसा तो नहीं हो सका, लेकिन उससे भी बेहतर मालिक ने हमें इसलिए उसके हमें शुक्र अदा करता है। अच्छा सर, एक बड़ी दरदार, तो आप थोड़ा सा हमें ये बताएंगे कि इस दरगाह का जो सिस्टम था वो कहाँ से चला, कहाँ से आकर रिमाइंड हुआ, थोड़ा इस शेयर को हमारे फोर फादर्स थे वो जो है बगदाद शरीफ से आए थे। जी जी, जो अब्दुल कादिर शाह जिलानी थे उनके फोर फादर जो उनके उस्ताद थे ख्वाजा अबू सईद फारूकी थे, वो माइग्रेट करके वो आए थे सिंध में। उसके बाद यहाँ पे सेवन थे, सेवन के वो गवर्नर भी रहे। उसके बाद आस्था सा माइग्रेट करके उधर छोटा सा रानीपुर करीब एक शहर है गड्डी जी के नाम से, कुछ टाइम वहाँ पे रहे। तो सच्चर सर उसके जो दादा थे साहिब हुसैन, बेसिकली दराजा शहर के और दराजा दरगाह के भी वही फाउंडर है। अच्छा, और वो शाहतुल अली भिटाई साई हमसर शायर थे, भिटाई साई भी आते थे तो साहिब हुसैन के पास आते थे हिसाब से। वैसे तो हजरत उमर फारूक के 31वीं बड़े बेटे की औलाद से ये खानदान चला आ रहा है। पंजाब वाले जो हैं कोट बठन वाले वो भी एक ही फैमिली एक जो है हमारी और उनकी एक ही फैमिली है, वो फादर हमारे साथ ही आए थे।
बाजे गुलाम फरीद जो हैं सदी के फारूक की फैमिली ये सब और भी दरगाहें हैं, फारूक की सरहदी भी फारूक ही हैं, ऐसे तो बहुत सारा बड़ा खानदान है। अच्छा, कोई जहाँ जहाँ से माइग्रेट करते हैं तो कुछ वहीं रह गए, कुछ आते ही आ गए, तो इस हिसाब से सर शार्ट ब्रेक का इशारा मिल रहा है। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से छोड़ा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जिंदगी संगत आवे हम अजय दबड़ू। अज असान जे प्रोग्राम जा मेहमान हैं अलामा राशिद मेमून सुमरो साहब, अवां जीडीए जा इत्तेहादी आयो ए मरपाव रहीम जी कोशिशन सा काफी अवां जा इत्तेहादी पीटीआई में शमूलियत कर रहे हैं। अच्छा, अवां के इन बाबत कोई पेशकश है? उन माण्हू खे ज़िमेदारी ॾिनी वई आहे जंहिं माण्हू जो सिंध जहिड़े नमूने सां आदर भा करे रही आहे, उहो अरबाब साहब खे बि मालूम आहे, पी टी आई खे बि मालूम आहे। तव्हांजे वालिद मोहतरम डॉक्टर ख़ालिद महमूद सुमरो साहब जो केस तवील अरसे खां कोर्टनि जे हवाले आहे, छो अॼु ॾींहं ताईं उन्हनि जा कातिल कैफ़े किरदार ताईं नाहिनि पहुता? मां हमेशा अदालत जे ज़रिए पंहिंजे वालिद जे खून में इंसाफ़ जी ॻाल्हि कई आहे। शहीद ख़ालिद महमूद सां मुहबत कंदड़ हिकु हिकु फ़र्द डॉक्टर ख़ालिद महमूद सुमरे जे क़तल केस में इंसाफ़ घुरी रहियो आहे। तो इन दोनों चीज़ों को एक साथ चलाना? सर पहले तो मैं एक वज़ाहत कर दूँ कि जो हमारी दरगाह का 200 साल से सिलसिला है वो सजद नशीन सिस्टम है, और हमारी जो सजद नशीन है वो एक पचातुलक है, मैं उनका भाई हूँ, ज़रूर उनकी सपोर्टिंग में हम दरगाह के जो जायरीन आते हैं उनकी ड्यूटी हम ही देते हैं। सही, पर जो है ऐसे समझे कि सियासत से भी उनका सपोर्ट, हम पे रहनुमाई, उनकी शफकत उन पर रहती है, लेकिन सजद नशीन हुए इस वजह से हम पे थोड़ा लोड कम होता है, कम होता है इस वजह से। अच्छा, पॉलिटिक्स को आप क्या समझते हैं? क्या पॉलिटिक्स आज के दौर के हिसाब से तो लोग कहते हैं कि एक झूठ है, अगले लोग उसको इबादत की निगाह से देखते थे, तो इन दोनों चीज़ों में से आज की पॉलिटिक्स को आप किस निगाह से देखते हैं? सर मैं इसको किसी भी साल झूठ नहीं समझता, और अगर हम आज भी इसको झूठ समझते रहेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें जो हमसे नेक्स्ट जनरेशन होगी उस पर एक गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, और यही सोच करके झूठ समझ के सियासत को अच्छे अच्छे लोग पीछे रह जाते हैं। तो उसमें देखिए तालाब में जो है ना, या आपको एक आसान उर्दू में बताऊँ कि पाँचों में बराबर नहीं होती, नहीं होती सही, जरूर बुरे लोग भी होते हैं वहाँ, भले भी होते हैं, तालाब में अगर एक मछली जाती है तो अल्लाह ने हमें बहुत नवाजा है, हमने तो खिदमत समझ के ही, और हमारे फोर फादर्स कभी भी सियासत में इन्वॉल्व नहीं रहे, नॉन पॉलिटिकल फैमिली रही हमारी, पर आज कुछ अरसे से हम पॉलिटिक्स में हैं तो हम भी एक इबादत समझ के और हमारे इलाके के लोगों के कहने पे हमने मैंने ये सियासत में एंट्री की। अच्छा, पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है उसमें बंदा आगे किसी न किसी शख्स को देखकर ज्वाइन करता है, तो पॉलिटिक्स में आपकी वो कौन सी शख्सियत है जिससे आप मुतासर हैं? बिल्कुल, हमारे जो सिंध एक बड़ी अजीम हस्ती को पैदा किया उसी तरीके से ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने, जब हमने तो उनको नहीं देखा लेकिन जब बड़े बड़े समझ से हमें स्टडी की तो उनकी फैमिली ने मुझे हद से ज़्यादा मुतासर किया, और उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर जो देखे उन्होंने भी जान दी तो हम लोगों की वजह से, देखिए आज के दौर में कोई किसी को जान नहीं देता, इतना जान देना आसान नहीं होता, उन्होंने कुर्बानी दी, बड़े लोगों की या जो सिंधी में कहते हैं कामों की वजह से नहीं, उन्होंने गरीब आवाम भारी नारी की वजह से ही अपने जानों का नजराना दे दिया, उनकी फैमिली हिस्ट्री रही है उसी तरीके से, आज भी हम उसी पार्टी को जाते हैं, और उसके अलावा से मैंने उस ज़माने में अपनी पार्टी को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया कि आप देखें दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में ना तंजीमी सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है ना कुछ,
पीपल्स पार्टी में ये चीज़ है कि वो लोगों को बोलने का भी हक देते हैं, इजहार की आज़ादी का भी हक देते हैं, हर मजहब वालों को इजहार की आज़ादी का, हर अकीदे वालों का वो एहतराम करते हैं। सर मेरी नज़र में सर के पीपल्स पार्टी के अलावा कोई भी प्रॉपर सियासी पार्टी नहीं है। जमायतें कह सकते हैं या एक वन मैन शो कह सकते हैं दूसरी पार्टी में, लेकिन प्रॉपर जमायत जो तंजीम साजी का सिस्टम होता है वो पीपल्स पार्टी में नज़र आता है। अच्छा, एक मुर्शिद और एक मुरीद दो कंट्रीब्यूशन है। मुर्शिद का जो रवैया हो वो मुरीद के साथ कैसा होना चाहिए, और मुरीद के जो अहकाम हैं वो मुर्शिद के लिए कैसे होने चाहिए? सर जो तसव्वुफ का जो सबक है वो मुरीद और मुर्शिद जो है वो एक दूसरे के आशिक महबूब हैं, तो उसको हमारे सिम में या वो हम कह सकते हैं पाकिस्तान में एक नज़रिया स्टार्ट हो गया है कि वडेरे और कहते हैं और आवा, ये मेरी आवाम है और हम वडेरे हैं, पीरी मुरीदी के सिस्टम का इसी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन पीरी मुरीदी वाले लोगों ने ऐसे कर दिया है इस चीज़ को, ये मेरे लोग हैं, इनको मैं अपने मुफाद के लिए यूटिलाइज कर सकता हूँ। और बेसिकली जो है ना, पीरी मुरीदी एक आशिक महबूब का, टीचर और स्टूडेंट का एक ताल्लुक है। एक कोई किसी का मुरीद होता है तो कुछ सीखने के लिए, कुछ फेज लेने के लिए उसके तालिबी अख्तियार करता है, तो मुर्शिद का भी काम ये है कि उसको उस हिसाब का फेज दे जो उसको, जिस हिसाब का वो लेना चाहता है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट इमाम दीन चिंजड़ी। शहर सखर में ऐसी प्यारी शख्सियत है जिसका नाम है निज़ामुद्दीन सुंगरो साहब। आपके ज़िंदगी का ऐसा कोई वाक़या गरीबों के लिए जिसमें आपको एक दिली सुकून मिला हो? मुझे जिसने भी मुश्किल में याद किया है तो मैंने अपनी वसात के हिसाब से, अपने खुद जो ऑन रिसोर्स के हिसाब से मैंने उनकी कमल मदद की है। जी जी, पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की क्या ज़रूरत पड़ी? सखर से निकल के सिंध लेवल पे जाऊँ और पूरी सिंध में जितने भी पूरी कम्युनिटी, पूरी हमारे कौम के, धरती के इश्यूज़ हैं उनके असम्बली में जाके बात करूँ। कुछ लोगों का कहना है कि आसिफ जरदारी अगर ना होता तो पार्टी खत्म हो जाती, तो आपका नजरिया क्या है? पीपल्स पार्टी गिरी है कभी भी? हम पूरा पाकिस्तान घूमते हैं, पूरे पाकिस्तान में दोस्त हैं, आज भी पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी के चाहने वाले हैं। और जरदारी साहब ने तो देखिए मुहतरमा का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, पूरी दुनिया ने उस चीज़ का शौक मनाया था, सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में अजीम लीडर थी वो, ज़ाहिर रुखसत से करके चली गई। तो उस वक्त हमारे जो इस वक्त पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल साहब वो भी छोटे थे, तो मैं समझता हूँ कि बेहतर से बेहतरीन तरीके से उन्होंने डेवलप किया पार्टी को, जितना उन्होंने संभाला और बेहतर संभाला पार्टी। मुल्क की आप बताएंगे कोई भी गवर्नमेंट हो उसके लिए पीपल्स पार्टी मशहूरी है एक हिसाब से। इंशाल्लाह ताला अब तो जो माहौल बनता जा रहा है कि ऐसा, इंशाल्लाह हमारी तो दुआ है इस पार्टी से, हमारी इच्छा भी है, दुआ भी है कि अपनी अलग से भी जैसे पहले भी वफाक पे रह चुकी है, अभी इंशाल्लाह वफाक पे पीपल्स पार्टी ही आएगी। अच्छा, अब गरीब आवाम की जो पूरी उम्मीद है वो बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब है, आप क्या समझते हैं कि बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब वो मोहतरमा वाला ख्वाब पूरा कर पाए? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, वो एक चीज़ उनके ब्लड में ही चली आ रही है, तो आज भी उनके लहजे से, उनके जज्बात से वही चीज़ें नज़र आती हैं। और इंशाल्लाह वो कहते हैं शेर के बच्चे शेर ही होते हैं। अच्छा, इमरान खान नियाज़ी एक्स वज़ीर आज़म, जी जी, जिसकी आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, वो कह रहा है कि मैंने पाकिस्तान को अप लेवल पे किया है, मैं पाकिस्तान के लिए ये करूँगा, मैं पाकिस्तान के लिए ये करूँगा, तो आप उसकी चार साल की कारकर्दगी से कितना मुतासर हैं? क्या हमारे मुल्क की मैशत की गिरने की वजह जो है, बातें बहुत अच्छी करते थे
सिर्फ बातें ही अच्छी करते थे, बाकी तो प्रैक्टिकल वर्क की गवर्नमेंट में कोई ऐसी उनकी मिनिस्ट्री का किसी भी मिनिस्ट्री में ऐसे कोई एक्सट्रीम सीरियस कदम नहीं नजर आए, ना कोई इतना उन्होंने रिलीफ मिल सका उनके टाइम में, ना कोई ऐसे गरीब लोगों के लिए ना कोई उन्होंने कोई पैकेजेस दिए। मैं नहीं समझता कि लीडर अच्छे थे लेकिन उनकी गवर्नमेंट और उनकी टीम मैच्योर नहीं। क्या आने वाले इलेक्शन में न्याजी साहब को वही रिस्पॉन्स मिलेगा पाकिस्तान से जो पहले मिला था? मुश्किल है सर। अच्छा अच्छा सर, आप इस इलाके के चेयरमैन हैं, जाहिर सी बात है आपने भी कुछ मंसूबे दे रहे होंगे गरीब आवाम के लिए, गरीब पब्लिक के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग के जो ख्वाब होते हैं वो आपसे रिलेटेड होते हैं, तो आपने वो कौन सा मंसूबा जोड़ा है गरीब आवाम के लिए? सर मंसूबे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपके पहले भी मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी पार्टी लीडरशिप को रिक्वेस्ट की थी कि हमारा जो जहाँ मैं इलेक्शन मैंने फाइट की वहाँ पे 21,900 पॉपुलेशन है, वो भी मैं आपको 8-9 साल की पहले इस वक्त तो जाहिर है 30+ होगी। ये एक बड़ी दरगाह है यहाँ पे इंटरनेशनली जायरीन आते हैं और बहुत बड़े गाँव है, या तो ओवरऑल सारी सिंध की यूसीज की बजट उसको सीरियसली एक्सट्रीम बढ़ाया जाए, 3-4 लाख 5-6 लाख 8-10 लाख से इतना कोई खास रिलीफ नहीं मिल सकता लोगों को, या तो जो 25 या 26 या 27,000 स्टॉक्स उनको टाउन का दर्जा कम से कम दिया जाए कि लोगों को कम से कम लोकली रिलीफ मिल सके। मेरी रिक्वेस्ट है और इंशाल्लाह ये रिक्वेस्ट मैं बार बार अपनी पार्टी वालों को भी करता रहूँगा कि ये यूनियन काउंसिल्स में आबादी देखें, एराजी के हिसाब से आप देखें कि हमारी यूसी यूनियन काउंसिल्स कितनी बड़ी हैं और उसकी बजट्स कितने हैं और उसी बजट्स में सैलरीज हैं। तो हम तो अल्लाह की तरह अल्लाह के करम से हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ज़ाहिर ही इनको भी कोई गवर्नमेंट को भी कुछ सोचना पड़ेगा इस बारे में। सर एक सचल समस्त का शेर है, मैं समझता हूँ उस शेर पे अगर अमल किया जाए तो सारी जिंदगी हर किसी के लिए आसान हो जाएगी। सिंधी में शेर है कि सच तो मर्द चवन के केवाड़े ना बढ़े, पूरी दोस्ती है जो दम बड़े ना पड़े, हमेशा सच का साथ दे, सच बोले तो आपको आपकी ज़िंदगी अल्लाह भी आसान करेगा और आपकी भी सारी ज़िंदगी कभी बोझ किसी चीज़ का नहीं रहेगा। ये पार्टी पीपल्स पार्टी ने हमें खिदमत का मौका दिया, लेकिन मैं एक एज ए पार्टी मेंबर कारकुन और एक एज ए अपने इलाके के चेयरमैन के साथ मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आपके प्रोग्राम के हिसाब से कि देखिए आप हमें नहीं बेहतर पता कि उनके बड़े डिसीजन क्या है, वो बेहतर ही डिसीजन कर रहे हैं, हम उनके डिसीजन को गलत नहीं कह रहे, लेकिन जब भी ये डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन लेवल की जो सिलेक्शंस होती हैं उनमें ये कोशिश की करें कि मेरी राय है, मैं कोई ज़्यादा नहीं करा, मेरी राय है कि ऐसी फैमिली से डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो हैं टाउन कमेटी चेयरमैन ऐसी फैमिली से सिलेक्ट किया जाए, पार्टी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिस फैमिली का कोई MP MLA से ताल्लुक ना हो, जैसे लाड़काने में भी है हुए हैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, वो भी कारकुनों को उन्होंने अपनी सीट दी है सिंसियर कारकुनों को, वहाँ और शिकारपुर में भी एक कमारे सरदार हैं उनको सिलेक्ट किया हुआ है। तो इसी वजह से हमारा ज़िला सिंध का बड़े में बड़ा ज़िला है, पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है, सियासी गढ़ रहा है हर पार्टी के हिसाब से, तो इधर भी ऐसे होना चाहिए। तो जैसे उनकी मेरे ख्याल से पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। कुर्बानी की अल्लाह के इश्क में उन्होंने अपने बेटे को ज़िबा किया था, लेकिन अल्लाह का इम्तिहान था एक, लेकिन उन्होंने तो अपनी तरफ से कर दिया था, लेकिन अल्लाह ने उस जगह पर एक जानवर जो था इसको भेड़ कहते हैं तो वो आ गई थी। इस वजह से इस कुर्बानी का एक बड़ा मकसद है कि तवक्कुल हमें अल्लाह की ज़ात से रखनी चाहिए, इंसानों से नहीं रखनी चाहिए, और बेहतर फैसला वही कर सकता है
हमारे आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ अपनी प्लानिंग्स कर सकते हैं और असल प्लान करने वाला ऊपर अल्लाह की ज़ात है, और हम तो सिर्फ सोच सकते हैं लेकिन असल प्लानिंग उसी की चलेगी। हम सबके लिए दुआगो हैं, अपने मुल्क के लिए दुआगो हैं, अपनी पार्टी लीडरशिप के लिए भी दिल से दुआगो हैं कि सबसे सबको अल्लाह ये खुशियों भरी अता फरमाए, आपके कम तकलीफें इंशाल्लाह दूर हों। नाज़रीन क्या करें, वक्त का सिलसिला होता है, हमें वक्त के साथ बांधा जाता है। आज हमारे प्रोग्राम में एक ब्रिलियंट शख्सियत, एक बेहतरीन पर्सनालिटी जिससे आपने सारी गुफ्तगू की, एक शेर के साथ इजाज़त चाहेंगे। कल का आज नहीं होता, हर पल विराज नहीं होता, रहे सर पर हमेशा दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश यू ऑल द बेस्ट, पाकिस्तान जिंदाबाद।